पास से। तो आपको पता ही है कॉफी में कितने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होता है एंड ये आपको स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है हमारी फेशियल। एंड गाइस, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे ऑन कर देना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट गाइस। फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लींजर। तो उसके लिए हमें चाहिए दूध यानी कि रॉ मिल्क एंड नेस्कैफे। मैं यहाँ पर नेस्कैफे का कॉफी यूज कर रही हूँ, आप चाहे किसी भी ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून मिल्क है एंड 1 पैकेट में कॉफी का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए गाइस। मिल्क एक नेचुरल क्लींजर है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करने में मदद करता है एंड कॉफी का जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज एंड जो एंटीऑक्सीडेंट है वो अपनी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो करने में मदद करेगा। तो एक कॉटन बॉल की मदद से आप अपनी स्किन को ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तीन मिनट तक आपको ये करना है आपके फेस पर। तो गाइस, फेशियल का नेक्स्ट स्टेप है स्क्रबिंग। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 चम्मच रॉ हनी, 1½ लेमन, 1 कॉफी पाउडर। हनी आपको स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगा एंड लेमन एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करेगा जिससे आपकी स्किन की सारी डेड सेल्स निकल जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। हाथों में लेके ऐसे सर्कुलर मोशन के मसाज करना है। 2 मिनट तक आपको इसे स्क्रब करना है। एंड गाइस, फेशियल का लास्ट स्टेप है एक फेस मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए बेसन, दही एंड कॉफी पाउडर। बेसन हमारी स्किन के टैन को रिमूव करने में मदद करेगा एंड कर्ड हमारी स्किन को मॉइस्चर देगा एंड कॉफी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत मदद करेगा। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे अपने फेस पर अच्छी तरह से लगा लीजिए एंड 15-20 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये ड्राई हो जाए। देन इसे आप कोल्ड वाटर से वॉश कर सकते हैं।